Good morning, everyone. Am I visible? Am I audible? दिख रही हूँ मैं? जल्दी बताइए. आज लास्ट सेशन है, आज 1000 सीरीज मैम कंप्लीट करने वाली है. फटाफट से शेयर कर दो. और कल से क्या शुरू हो रहा है, जल्दी बताओ. कल से क्या शुरू हो रहा है? यस, शेयर नहीं कर रहे हो भाई, शेयर बिल्कुल नहीं हो रहा है सेशन. हाँ जी, चलो फटाफट शेयर करो, फटाफट, एकदम तहलका मचना चाहिए. आज बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्वेश्चंस हैं. चलिए, ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. मेरा नाम है डॉक्टर साक्षी बरनवाल एंड आई एम योर नीड बायो एडुकेटर. अभी मैं साफ दिख रही हूँ. एम आई क्लियर? एम आई विजिबल? क्लियर? यस. एक मिनट, अब बताओ क्लियर दिख रहा है? ओके ओके ओके, ठीक है मैम. और अंधेरा हो गया? हाँ यार, आज तो अंधेरा आया थोड़ा सा यहाँ पे. चलिए स्टार्ट करते हैं. और बच्चों, ये टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना है. इसके अलावा मेरे साथ जुड़ना है तो क्या करना है? डॉक्टर साक्षी बरनवाल मेरा नाम है, आपको टेलीग्राम पे मेरे साथ जुड़ जाना. ओके, चलिए स्टार्ट करेंगे विदाउट अडीले. लास्ट पार्ट है, एंड गेम है ये आज का. ठीक है, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद खत्म करने वाले हैं यूट्यूब पे. यूट्यूब पे अब होगा महा मैराथन, मेगा मैराथन, जिसको हम तूफान सीरीज के नाम से कल से कराने वाले सुबह 10 बजे. ठीक है, सारे बच्चे सुबह 10 बजे मुझे चैनल पे चाहिए. हम सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं पूरी बायोलॉजी का. यस, कंप्लीट बायोलॉजी. हर दो तीन घंटे का सेशन रखेंगे और डेली कर करके आपका पूरे एग्जाम से पहले पूरा बायोलॉजी रिवाइज करने वाले हैं. ठीक है, चलिए बेटा. यहाँ रात नहीं, मैं इंडिया में ही हूँ. ठीक है, यहाँ पे बारिश बहुत हो रही है तो थोड़ा सा बाहर मौसम ऐसा हो गया. चलो स्टार्ट करेंगे विदाउट अ डिले. इंटेस्टाइनल म्यूकोसल एपिथीलियम हैज गॉबलेट सेल. गॉबलेट सेल का काम क्या है? व्हाट डज इट सिक्रीट? गॉबलेट सेल का काम क्या होता है, फटाफट से. और क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है, क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है? स्पेशल क्लास की टाइमिंग 5 PM है. 5 PM है स्पेशल क्लास, जिसमें हम नीट अभ्यास सीरीज कर रहे हैं. नीट अभ्यास फ्री स्पेशल क्लास है ये. ठीक है, फ्री स्पेशल क्लास है. लिंक नीचे दिया हुआ है मेरे, आपको अनअकैडमी के प्रोफाइल का, वहां से पहुंच जाएंगे और वहां पे मिल जाएगा आपको. तो आपका गॉबलेट सेल का मेन काम क्या है? म्यूकस का सिक्रीशन कराना, उसकी लाइनिंग को प्रोटेक्ट करके रखना. राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. फ्रक्टोज इज अब्सॉर्ब्ड इन द ब्लड थ्रू म्यूकोसा सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन बाय प्रोसेस कॉल्ड. फ्रक्टोज एक तरह का शुगर है जो कि आपके म्यूकोसा सेल में एब्जॉर्ब होता है. किस प्रोसेस से बच्चों? शुगर का एब्जॉर्प्शन, फ्रक्टोज का एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है? एक चैनल के थ्रू हो रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं, किस तरह का ट्रांसपोर्ट है? इट इज अ काइंड ऑफ फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट. इट इज अ काइंड ऑफ फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट. राइट, चलिए. व्हेन ब्रेस्ट फीडिंग इज रिप्लेस बाय लेस न्यूट्रिटिव फूड. बहुत ईजी क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है, यहाँ प्रोटीन और कैलोरी दोनों का ही मेंशन हुआ है. और इन्फेंट आपका 1 साल से कम का है, तो कौन सी डिजीज होगी उसको, जल्दी बताइए. विच डिजीज इट इज सफरिंग फ्रॉम? अगर दोनों चीजें मेंशनड है, इट इज मेरास्मस. अगर केवल प्रोटीन डेफिशिएंसी बता रखा है तो इट इज क्वाशियोर्कर. इन सब में आपको कंफ्यूजन होना चाहिए. ये आपके बोन का डिजीज है, ये तो आएगा ही नहीं, और पेलेग्रा आपका डिफरेंट है. ठीक है, तो ये सारा नहीं आने वाला है. 1000 क्वेश्चन और करा दूं चार दिन में मैं आपको रिवीजन करा दूं, 4 दिन में 1000 क्वेश्चन करा दूं. अभी तो मैं आपके लिए शॉर्ट ट्रिक्स भी बना रही हूँ, दिखाती हूँ आपको, रुक जाओ. देखो मैं बैठ के आपके लिए शॉर्ट ट्रिक्स बना रही हूँ. तो ऐसा नहीं है कि मैम पूरी लगी हुई है आपके लिए. ठीक है, बहुत सारे बच्चे ट्रिक्स मांग रहे थे, मैंने कहा था खुद ट्रिक बनाओ, बट बच्चे कह रहे मैम बना दो. चलो मैं बना दे रही हूँ अगर आपको फटाक से, क्योंकि दिमाग लगाना पड़ रहा है मैम, इतना टाइम नहीं है. ठीक है, चलो ठीक है, 1000 और क्वेश्चन की बात करेंगे, पहले अभी कर लेते हैं.
emulsification of fat will not occur in absence of, emulsification of fat, क्या बात है बॉस मंबा, emulsification of fat किससे होता है, will not occur in absence of, किसकी मौजूदगी होनी चाहिए emulsification होने के लिए, bile का आपका पूरा bile juice secrete होता है उसमें से, bile salt is basically responsible for emulsification, isn't it? क्या responsible होता है, bile salt, bile salt is responsible for emulsification of fat, ठीक है, चलिए, how many pair of salivary gland are located inside the buccal cavity, inside the buccal cavity, question समझो, question को ध्यान से पढ़ो, ठीक है, मैंने बहुत ज्यादा घुमा फिरा के question बनाए थोड़े, कि आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़े, और दिमाग लगाने के बाद क्या होता है, अगर आप, मतलब, odd one out, थोड़ा सा बुद्धि लगाओ कि समझ में आ जाएगा, हमने जितनी भी salivary gland पढ़ी है, वो buccal cavity के around पढ़ी है, parotid पढ़ी है, ठीक है, आपका अलग अलग जितना भी पढ़ा है, वो सारे अराउंड है, कोई भी आपका buccal cavity के अंदर नहीं प्रेजेंट होता है, so it will be zero, it will be zero, गोल गोल अंडा, ठीक है, हर salivary gland आपकी buccal cavity के अराउंड प्रेजेंट है, कोई भी अंदर नहीं प्रेजेंट होता, buccal cavity इतना ही तो है, इतनी तो buccal cavity होती है, टीथ है, टंग है, माउथ है, इतना ही तो है, राइट, चलो, हाँ वन डे वाला कराऊंगी समीर, डोंट वरी, वो भी मैं कर रही हूँ मैम, हर कोशिश, मतलब आप क्या मानोगे, आपको मैं दिखाती हूँ मैंने क्या क्या प्लान कर रखा आपके लिए, कितनी सारी वीडियोस प्लान कर रखी, सब प्लान कर रखा है मैंने आपके लिए, कि कितना, एक दिन पहले क्या करना है, दो दिन पहले क्या करना, मुझे याद रह रहा मेरे दिन पे मैंने क्या क्या मिस किया था, पेराइटल सेल और ऑक्सेंटिक सेल्स लोकेटेड इन स्टमक गैस्ट्रिक पिट्स मेनली सिक्रीट, मेनली सिक्रीट, मेनली सिक्रीट, कम ऑन एवरीवन, पेराइटल सेल और ऑक्सेंटिक सेल क्या सिक्रीट करते हैं, व्हाट डू दे सिक्रीट, कम ऑन एवरीवन, जल्दी से बताइए, दे सिक्रीट आपके गैस्ट्रिक क्या है, एसिड है, दैट इज HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है, ये दोनों का सिक्रीशन होता है, म्यूकोसल लेयर इन स्टमक फॉर्म इररेगुलर फोल्ड नोन एज, म्यूकोसल लेयर इन स्टमक, स्टमक की बात हो रही है, इंटेस्टाइन की नहीं, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे इंटेस्टाइन, ठीक है, इंटेस्टाइन की बात करते हैं, इंटेस्टाइन नहीं बोला, स्टमक बोल रहा है, व्हाट इट विल बी, इंटेस्टाइन में विलाई होता है, ठीक है, स्टमक में क्या होता है, रूगे होते हैं, रूगे इज प्रेजेंट इन स्टमक, यही रूगे आपके हार्ट पैलेट पे भी प्रेजेंट होते हैं, ऊपर की तरफ हार्ट पैलेट पे भी रूगे प्रेजेंट रहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गार्ड्स द ओपनिंग ऑफ हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट इन थ्रू द डियोडेनम, ओपनिंग ऑफ हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट इन डियोडेनम, कम ऑन एवरीवन, हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, इट इज स्पिंक्टर ऑफ ओडाई, इट इज स्पिंक्टर ऑफ ओडाई, एंजाइम दैट इज नॉट प्रेजेंट इन स्यूकस इंट्रिकस यानी कि इंटेस्टाइनल जूस में जो प्रेजेंट नहीं होता है, नॉट प्रेजेंट, कम ऑन एवरीवन, नॉट प्रेजेंट बोल रहा है, जो नहीं प्रेजेंट होगा, जितने भी इंटेस्टाइनल जूस में एंजाइम प्रेजेंट है वो बेसिकली काम क्या कर रहे हैं, जो छोटे मॉलिक्यूल तोड़ चुका है पैंक्रियाटिक जूस या उसके पहले के एंजाइम्स, उनको फर्दर सबसे सिंपल फॉर्म में तोड़ते हैं, ठीक है, तो डाई को मोनो कर देता है, मोनोसेक्राइड, ठीक है, प्रोटीन के पेप्टाइड्स को तोड़ के अमीनो एसिड में बनाता है, तो सबसे छोटे पार्ट में जो तोड़ रहा है दैट इज इंटेस्टाइनल जूस के एंजाइम, कौन सा ऐसा एंजाइम है जो कि सबसे बेसिक पार्ट में नहीं तोड़ रहा, दैट इज न्यूक्लियसेस, क्योंकि न्यूक्लियसेस पहले न्यूक्लियोसाइड में तोड़ेगा, राइट, इस तरह से फिर उसका फर्दर डिवीजन न्यूक्लियोसाइडेज करेगा, तो न्यूक्लियसेस आपका पैंक्रियाटिक जूस में है रादर देन इंटेस्टाइनल जूस, इज इट क्लियर, एक क्वेश्चन यहां से और आता है पीवाईक्यू अलर्ट, कि कौन सा ऐसा बायोमोलिक्यूल है, ठीक है, कौन सा ऐसा मैक्रोमोलिक्यूल है जिसका आपके ब्रेकडाउन
सिर्फ इंटेस्टाइन में होता है, दैट इज ऑल्सो न्यूक्लियाइक एसिड. एक क्वेश्चन ये भी बनता है, ठीक है? तो ध्यान से सारे क्वेश्चन याद रखना है. चलो, बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय, बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय, बाइल कौन प्रोड्यूस करता है बच्चों? हु प्रोड्यूसेस बाइल? कौन प्रोड्यूस करता है बाइल, जल्दी से बताइए. विच ऑफ द ऑर्गन प्रोड्यूसेस बाइल? इट इज लिवर. लिवर प्रोड्यूस करता है बाइल, तभी वहां से डक से निकलता है और कहां जाता है? गॉल ब्लैडर में जाता है. गॉल ब्लैडर में क्या होता है बाइल का? बाइल वहां पे कॉन्सेंट्रेट होता है और स्टोर होता है. जब जरूरत होती है तो फिर आपके सिक्रीट होता है वो, ठीक है? कहां पे? पैनक्रियाटिक जूस के साथ, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर. दूसरी बात ये, अगर एक क्वेश्चन आता है गॉल ब्लैडर निकाल दिया गया तो क्या आपके डाइजेशन में कुछ अंतर पड़ेगा? यस, अंतर पड़ेगा. किसके डाइजेशन में? फैट के इमल्सिफिकेशन में. क्यों अंतर पड़ेगा? क्योंकि बाइल जो आपका गॉल ब्लैडर है वहां पे कॉन्सेंट्रेशन होता है बाइल जूस का, अब कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाएगा. तो अब हमें जो भी पेशेंट होगा जिसका गॉल ब्लैडर निकाल दिया जाएगा, उसको लेस आपके ऑयली फूड खाना है, लेस स्पाइसी फूड खाना है, इस तरह का फूड कम खाना है, क्योंकि अब जो पित्त बन रहा है, बाइल बन रहा है, जो बाइल बन रहा है वो इतना कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, तो उतना ज्यादा कारगर नहीं हो पाएगा. ऐसा नहीं इंसान जी नहीं सकता, राइट? चलिए, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज इनर मोस्ट लेयर चलिए बताइए, इनर मोस्ट लेयर कौन सा होगा? म्यूकोसा मेम्ब्रेन. सबसे अंदर क्या है? म्यूकोसा है, म्यूकोसल लाइनिंग है, राइट? सबसे अंदर वाली लेयर. कम ऑन एवरीवन, चलो. इंटेस्टाइनल विलाई आर मोर न्यूमरस एंड लार्जर इन पोस्टीरियर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन देन द एंटीरियर पार्ट. ज्यादातर विलाई आपके पोस्टीरियर पार्ट में दिखती है. क्यों? क्योंकि वहां पे ज्यादा, ठीक है, आपके एब्जॉर्प्शन होना है. डाइजेस्टेड फूड जो होता है सबसे सिंपल फॉर्म में आपके पोस्टीरियर पार्ट में जाता है, ठीक है? दैट्स व्हाई दे हैव मोर नंबर ऑफ विलाई, ठीक है? क्लियर है? तो दिस, देयर इज मोर डाइजेस्टेड फूड इन पोस्टीरियर पार्ट, दिस इज द आंसर. एब्जॉर्प्शन वहां ज्यादा होता है इसलिए, ठीक है? इनर मोस्ट पूछा बेटा, आउटर मोस्ट नहीं पूछा है, ठीक है? चलो, कॉमन बाइल डक्ट इन ह्यूमन इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग ऑफ कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है? बाइल डक्ट की बात हो रही है, हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट की नहीं. तो कौन कौन ज्वाइन करेगा? एक बाइल डक्ट आपके दो ऑर्गन कनेक्ट करते हैं, एक तो आपके लिवर का जो डक्ट आ रहा है, राइट? बाइल डक्ट की बात हो रही है तो हेपेटिक डक्ट निकलेगा वहां से. दूसरा आपका कहां से निकलेगा? आपके गॉल ब्लैडर से निकलेगा. तो किसका संगम है? किसका संगम है ये? गॉल ब्लैडर से आपके सिस्टिक डक्ट निकलता है. हेपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट मिलके आपके बाइल डक्ट बनाते हैं. इज इट क्लियर? ए नहीं होगा, बी होगा, ठीक है? ईती सही बोल रही है, श्रद्धा, दीपिका, देन वी हैव शेख, देन वी हैव रिहाना. पैंक्रियाटिक डक्ट और आपका जो बाइल डक्ट होता है वो मिलके ही पैटो पैंक्रियाटिक डक्ट बनाता है. क्लियर है? वो अलग है, वो अलग है, ये अलग है, ठीक है? डाइजेशन ऑफ प्रोटीन फैट एंड कार्बोहाइड्रेट इज कंप्लीटेड इन किस पार्ट ऑफ स्टमक में? स्टमक कह रहे, इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है. स्टमक तो बोलना मत, ठीक है? स्टमक तो बिल्कुल बोलना मत. तो क्या हो रहा है स्टमक में? तो आपके पार्शियल डाइजेशन हुआ. डियोडेनम आपके इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है. डियोडेनम में बहुत सारे पैंक्रियाटिक जूस के एंजाइम रहते हैं जो इनको डिवाइड करते हैं, लेकिन जब वो नेक्स्ट पार्ट में पहुंचता है, दैट इज योर ईलियम, वहां इंटेस्टाइनल जूस इसको प्रॉपरली ब्रेक डाउन करते हैं, राइट? तो फर्दर फाइनल डिवीजन जो डाइजेशन होता है वो कहाँ कंप्लीट होता है? ईलियम में कंप्लीट होता है. किसमें कंप्लीट होता है बच्चों? ईलियम में कंप्लीट होता है. इज इट क्लियर? चलो, बिलो डायग्राम रिप्रेजेंट टीएस ऑफ गट, आइडेंटिफाई एबीसीडी. लेयरिंग बताना है. सबसे अंदर आपका ल्यूमन दिखाया है, ठीक है? ल्यूमन जो कैविटी होगी उसकी, वो ल्यूमन कहलाती है. उसके जस्ट बाहर वाली कैविटी क्या होगी? जो सबसे इनर मोस्ट अभी हमने पढ़ी, दैट इज योर म्यूकोसा. तो अगर हमें चेक करना है जल्दी जल्दी से, तो डी म्यूकोसा कहाँ दिया हुआ? देखो, तीन में दिया है. तो आपके ये सी ऑप्शन तो गया, सी ऑप्शन तो गया, राइट? सी गया. अब क्या बचा आपके पास? नेक्स्ट आपका सी आएगा. म्यूकोसा के ऊपर कौन होता है? सब म्यूकोसा. आपका डी ऑप्शन भी गया, राइट?
अब सब म्यूकोसा के ऊपर कौन सी लेयर होती है? मस्कुलारिस लेयर। और सबसे बाहर कौन होती है? सिरोसा। सबसे बाहर होगी सिरोसा, से मस्कुलारिस, फिर सब म्यूकोसा और लास्ट में होती है बेटा म्यूकोसा। ये चार लेयर होती है। तो ऑप्शन कहाँ है सही? ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, चल। DNAs and RNAs are enzymes secreted by DNAs and RNAs. कौन secrete कर रहा है? DNAs, RNAs अभी nucleic acid को तोड़ेगा, लेकिन पूरी खड़ी nucleic acid को तोड़ेगा, यानी कि enzyme stomach तो नहीं produce किया, क्योंकि वहाँ nucleic acid का digestion होता नहीं। होता कहाँ है? Small intestine में। Small intestine में बड़े molecule को तोड़ने का काम सारे pancreatic juice वाले enzyme करते हैं। तो कौन एंजाइम सिक्रीट कर रहा है? ये पैनक्रियास। अगर आपका न्यूक्लियोसाइडेज, डाइसैकेराइडेज ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछता है, देन यू विल आंसर इट एज इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइन से सिक्रीट हो रहा है, दैट इज स्यूकस एंट्रिकस। इज इट क्लियर? 16 का ए होगा, डी नहीं होगा। ध्यान से समझो क्वेश्चन को। अभी पूरा पूरा न्यूक्लियाइक एसिड खड़ा है, न्यूक्लियाइक एसिड का एक भी पुर्जा अभी ढीला नहीं किया गया है, राइट? चलिए, डी नहीं होगा बेटा। मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज नोन एज मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन से खाना धीरे 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 नीचे आता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? अरे भैया, कौन कौन लास्ट क्वेश्चन में कंफ्यूज है, इसको पेरिस्टाइलिसिस कहते हैं। कौन कौन बच्चा अभी इस क्वेश्चन में कंफ्यूज है, जल्दी बताओ मुझे, फटाफट बताओ। इसको क्लियर करना बहुत जरूरी है। और कल वैसे भी मैं ये वाला चैप्टर परसों लूंगी, कल तो आपका 3 यूनिट में वन शॉट में कराने वाली हूँ। थैंक यू सो मच समीत। जल्दी बताओ किसको किसको कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में। देखो, पैनक्रियास क्या बोला है? सिक्रीटेड बाय। जरूरी नहीं है कि जो एंजाइम सिक्रीट हुआ है वो उसी जगह जाके खाना डाइजेस्ट करे, ठीक है? तो पैनक्रियाटिक जूस जो है वो भी कहाँ जाता है? वो भी जाता तो इंटेस्टाइन में ही है, डाइजेशन तो इंटेस्टाइन में हो रहा है, बट सिक्रीट कौन कर रहा है? एंजाइम, पैनक्रियाटिक जूस। इंटेस्टाइनल जूस जो होता है वो फर्दर ब्रेक डाउन करता है, ठीक है? इंटेस्टाइनल जूस जो है वो फर्दर ब्रेक डाउन करता है, सिंपलर मॉलिक्यूल को सबसे सिंपलेस्ट बनाता है। अंतर है दोनों में। पैनक्रियाटिक जूस बड़े मॉलिक्यूल को छोटे में तोड़ता है, समझ गए? चलो, हाउ इज द डाइजेशन ऑफ फैट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट तो फिर भी मान जाते हैं, फैट जो है बहुत जिद्दी बच्चा। हर क्लास में एक बच्चा होता है जो बहुत जिद्दी होता है, ठीक है? नहीं सुनता है, मानता ही नहीं है, मैम कितना भी समझा ले, नहीं मैम ऐसे नहीं होगा, ठीक है? तो ये वही जिद्दी बच्चा है फैट। तो इसका एब्जॉर्प्शन के लिए दूसरा टेक्निक अपनाना पड़ता है। फिर टीचर क्या करता है? दूसरा टेक्निक अपनाता है। यार ये टेक्निक से तो ये नहीं समझेगा, इसको थोड़ा सा घुमा फिरा के बताना होगा। तो यही काम आपके फैट के साथ होता है। कैसे? उनके अराउंड एक कवरिंग बनाई जाती है, उनको माइसील फॉर्मेशन किया जाता है, उसके बाद उनका फर्दर ब्रेकडाउन करते हैं, ठीक है? उसका फर्दर ब्रेकडाउन करते हैं, ठीक है? फैटी एसिड के फॉर्म में और मोनोग्लिसराइड के फॉर्म में, बट आर देन मॉडिफाइड फॉर एब्जॉर्प्शन इनटू ह्यूमन इनटू लिम्फ, व्हाइल अमीनो एसिड एंड ग्लूकोज आर नॉट मॉडिफाइड एनी फर्दर। तो आपके जो फैट है उनको लूटियल्स के थ्रू एब्जॉर्ब किया जाता है, इनका डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, बड़ा ही तिगड़म बिड़ा के इनको एब्जॉर्ब किया जाता है। इसलिए लोग कहते हैं फैटी खाना कम खाओ, क्योंकि एफर्ट पूरे बॉडी को ज़्यादा लगानी पड़ती है, प्रोटीन और कार्ब्स को तोड़ने में कम मेहनत लगती है। कार्बोहाइड्रेट इसलिए ज़्यादा खाने को मना किया जाता है क्योंकि वो आपको एनर्जी का सोर्स तो दे रहा है, लेकिन साथ साथ उससे आपका क्या हो रहा है, बॉडी में धीरे धीरे ज़्यादा एनर्जी के कारण आपके क्या कहते हैं मसल डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाती। प्रोटीन्स की मात्रा जब ज़्यादा डालती है तो आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। फैट सबसे जिद्दी है, इसलिए सब जल्दी इसको कहा जाता है खाओ मत करो, थोड़ा बहुत फैट लिया करो, क्योंकि जल्दी पचता नहीं है। क्लियर है? चलिए, इसोफेगस ओपन्स इन विच पार्ट ऑफ स्टमक? इन विच पार्ट ऑफ स्टमक? चलिए बताओ, इसोफेगस इज प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ स्टमक? इसोफेगस, देखो आपके जो स्टमक है उसका 3 पार्ट होता है, ठीक है? उसका 3 पार्ट होता है, ठीक है? जल्दी बताइए कौन कौन से 3 पास होते हैं? कार्डियक फंड। बच्चों, आई गॉट ए अपडेट, आपका एडमिट कार्ड रिलीज हो गया है। गिव मी अ सेकेंड, आपका एडमिट कार्ड रिलीज हो गया है, मैं जल्दी से बता दूंगी।
गिव मी अ सेकेंड। चलिए ओके डोके ओके। अब जाके एकदम भीड़ मत लगा देना कि एडमिट कार्ड आ गया मैम, तो अब जाएंगे पहले वही निकालेंगे, नहीं करो भसड़ मचाओगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है चलिए, अभी मत देखो बेटा, अभी बहुत सारे बच्चे डाउनलोड करेंगे, होगा भी नहीं, 1-2 घंटे बाद करना आराम से। ठीक है 1-2 घंटे बाद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, कोई भसड़ नहीं मचानी अपन को। कार्डियक पोर्शन, प्रोटीन की डेफिशिएंसी को क्वाशियोर्कर बोलते हैं। ठीक है चलो, ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच बट वन इज रॉन्ग, विच वन इज रॉन्ग, इनमें से कौन सा गलत है, इनमें से कौन सा गलत है, जल्दी बताओ, विच अमंग द फॉलोइंग इज रॉन्ग। हाँ सर्वर डाउन होगा, अभी बफर होगा, ठीक है सब कुछ हैंग करेगा वेबसाइट, चलिए बताइए। रॉन्ग अबाउट रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच, इन फीमेल अ पेयर ऑफ स्पर्मेटिका प्रेजेंट इन एयर एब्डोमिनल सेगमेंट विच ओपन इन जेनाइटल चैम्बर, इज इट क्लियर, डी है आंसर, डी डी बी नहीं है। ठीक है ये गलत है आपका, ये गलत है, बाकी सारे सही हैं, बाकी ये सारे ऑप्शन सही हैं, मशरूम ग्लैंड भी होता है। चलिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग हैव एपिथीलियम विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस एक्सेप्ट, एक्सेप्ट बेटा, एक बार जल्दी से रिफ्रेश कर लो, मैं तो क्वेश्चन सही आ रहे हैं, आई कैन सी ऑन माई फोन। ऑल ऑफ द फॉलोइंग हैव एपिथीलियम विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस एक्सेप्ट, एक्सेप्ट किसके अलावा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा, आपके फलोपियन ट्यूब में क्या करता है, ये मूवमेंट देता है, सीलिएटेड है तो उनको मूवमेंट दे रहा है कि भैया आगे बढ़ो। हाँ रूरू इसमें से क्वेश्चन आएंगे, मसल फाइबर प्रेजेंट इन ब्लड वेसल स्टमक एंड इंटेस्टाइना, मैंने बहुत एनालाइज करके एनसीईआरटी से क्वेश्चन पिक कर करके चुन चुन के क्वेश्चन बनाए। मसल फाइबर प्रेजेंट इन ब्लड वेसल स्टमक एंड इंटेस्टाइनर एंड इंटेस्टाइनर, ये आप लोग का स्पीड धीमे हो गया या फिर बता नहीं रहे हो सब लोग, हाँ अभी तो पूरे जोश में थे। जल्दी बताओ, यस चलो जल्दी से बताओ आंसर, इट इज टेपरिंग एट बोथ दी एंड, टेपरिंग एट बोथ दी एंड, साइट क्रैश होनी ही है, कोई दिक्कत नहीं है, होनी है वो तो। इन दीज टिश्यू सेल्स आर इंक्लोज इन लैकुनी, लैकुनी किसमें होता है, बहुत प्रॉपर लैकुनी होता है, ठीक है बहुत प्रॉपर लैकुनी होता है, कहीं में हैवर्जन सिस्टम है किसी में हैवर्जन सिस्टम नहीं है, बट लैकुनी में दोनों में इंक्लोज होता है, चाहे वो कार्टिलेज हो चाहे बोन टिश्यू हो, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। द सेल्स दैट रिलीज हेपरिन एंड हिस्टामिन इन ब्लड आर, हेपरिन एंड हिस्टामिन एक ही सेल करती है, एक ही सेल करती है, दैट इज योर मास्ट सेल। ठीक है एक्शन पे आ जाती है ना, ये हमारा एक्शन हीरो है, जब जरूरत पड़ती है तो एकदम ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है, कोई बात नहीं, जो गए गए, मैंने सबको समझाया है, क्योंकि अभी तुमको कहीं से इंफॉर्मेशन मिलती है और तुम बस भाग जाते, इसलिए मैं पहले से बता रही हूं, 1-2 घंटे रुक जाओ, एकदम क्रैश हो जाएगी वेबसाइट, जितना ज्यादा आपके वो हैंग करेगी उतना लेट आपको एडमिट कार्ड मिलेगा। स्मूथ मसल्स आर,
स्मूथ मसल कैसे होते हैं? कुछ इस शेप के होते हैं, नॉन स्ट्राइटेड होते हैं, यूनि न्यूक्लिएटेड होते हैं, फ्यूजी फॉर्म होते हैं और इनवॉलेंट्री होंगे. इज इट क्लियर? यस. चल सिंपल क्यूबॉइडल एपिथीलियम लाइंस ऑल द फॉलोइंग स्ट्रक्चर एक्सेप्ट सिंपल क्यूबॉइडल एपिथीलियम. सिंपल नहीं है, हमारे जो फैलोपियन ट्यूब में सबसे पहले वो तो सिलिएटेड है क्योंकि उसको ओवा को आगे बढ़ाना है, राइट, यूनिडायरेक्शनल बढ़ाना है ताकि वो आपके फैलोपियन ट्यूब में आगे बढ़ती जाए और धीरे धीरे यूट्रस में पहुंच जाए, अगर फ्यूजन हुआ तो भी, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो भी, राइट. चलो सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम कवर्स द इनर लाइनिंग ऑफ. सूडो स्ट्रेटिफाइड ऐसा लग रहा है कि कई लेयर की है बट इट इज नॉट लेयर्ड, एक सिंगल लेयर है बस, न्यूक्लियस ऊपर नीचे अलग अलग लेवल पे हैं, तो ऐसा अपीयर होता है कि इट इज स्ट्रेटिफाइड बट इट इज नॉट. कहां देखने को मिलती है सूडो स्ट्रेटिफाइड? क्वेश्चन नंबर के साथ मुझे आंसर चाहिए, ऐसा रैंडम नहीं करना है. क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर चाहिए मेरे को. एल्वियोलाई में तो सिंपल होता है, सिंपल स्क्वैमश होता है, एक सिंगल लेयर की होती है. ट्रेकिया और ब्रोंकियोल्स बचा आपका, किसमें होगा? ये तो नहीं होगा, दिस इज नॉट एट ऑल, मतलब ये तो इसमें नहीं होने वाला, ये करेक्ट नहीं है. इट इज प्रेजेंट इन ट्रेकिया. ट्रेकिया सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड होता है. ओके चलो, टेंडन और लिगामेंट क्या है? दीज आर एक कनेक्टिव टिश्यू का ही मॉडिफिकेशन है, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू. इज इट क्लियर? Dense regular connective tissue. चलो intercalated disc are characteristic of muscle found in. intercalated disc किसमें present होती है, किसके muscle में? special muscle होती है हमारी, क्या नाम है उसका? cardiac muscle. किसमें होती है? cardiac muscle में, यानी heart में होगी. intercalated disc में present रहती है, specialized चीज है, right? कोलेजन फाइबर्स आर सिक्रीटेड बाय. कोलेजन फाइबर क्या बना रहे हैं? आपके मैट्रिक्स मटेरियल बेसिकली बनाते हैं हर चीज को बाइंड करने के लिए, जो कि सिक्रीट होती है किससे? फाइबर्स हैं, तो कौन सिक्रीट करेगा? फाइब्रोब्लास्ट सिक्रीट करेगा. कौन सिक्रीट करेगा बच्चों? फाइब्रोब्लास्ट सिक्रीट करेगा. एम आई क्लियर? यस. चलो विच अमंग द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सीमेंटिंग एक्शन टू कीप एडजेसेंट सेल टूगेदर. ठीक है, टू कीप एडजेसेंट सेल टूगेदर, सीमेंटिंग एक्शन जोड़ के रख रहा है. ठीक है, 927 में कंफ्यूजन, तुम लोग को इतना पीछे कंफ्यूजन क्यों होता है? ये सूडो स्ट्रेटिफाइड होता है बेटा. एल्वियोलाई सिंपल स्क्वामिश होती है. विच अमंग द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सीमेंटिंग एक्शन टू कीप एडजेसेंट सेल टूगेदर? इट इज अडहेरिंग जंक्शन. सीमेंट कर रहा है केवल, टाइटली बाउंड नहीं कर रहा, अडहेरिंग जंक्शन. विच इज नॉट ट्रू अबाउट न्यूरोग्लियल, मतलब जो गलत है वो ढूंढना है, चलिए बताइए जो गलत है वो ढूंढना है, फटाफट बताओ. Which among the following is wrong? Excitable cell of neural system. Neuroglial cell कभी भी excitable cell नहीं होते. Schwann cell example of neuroglial cell. ये कौन बता रहा है भाई? Schwann cell is an example of neuroglial cell. मतलब कहाँ पढ़े हो, मेरे को ये बताओ पहले. Where did you read this?
जल्दी बताइए। दिस आर नॉट एक्साइटेबल सेल, न्यूरोग्लियल सेल जो होते हैं हमारे। ओएमआर शीट के दो टेक्निक मैंने बताए, या तो आप सेक्शन वाइज भरो, सेक्शन ए सेक्शन बी, ठीक है, वैसे भरो। दूसरा तरीका ये है कि पर पेज ओएमआर भरो, एक पेज के बाद ओएमआर शीट भर लो, ठीक है, साथ के साथ हो जाएगा। तो जो आपको सही आपका मेथड है वो आप यूज कर सकते हो। साथ के साथ वाला भी वेरी गुड, कि जैसे जैसे दो पन्ने खोले ना ओएमआर के, ये और ये पन्ना, जैसे ही खत्म किया उसके क्वेश्चन ओएमआर भर लो, ये भी तरीका अच्छा है। बट ओएमआर कोई भी एंड में नहीं भरेगा कि लास्ट में मैम 3 घंटे 20 मिनट, 20 मिनट में ओएमआर भरेंगे, नहीं, ठीक है। चलिए, हाँ एडमिट कार्ड आ गया। डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फिस, डिफरेंट बिटवीन ब्लड एंड लिम्फिस, क्या है ब्लड और लिम्फ में? ब्लड में आपके आरबीसी भी होता, आरबीसी डब्ल्यूबीसी सब होता है, लिम्फ में केवल डब्ल्यूबीसी होगा, ठीक है, आरबीसी नहीं होगा वहां। पहला वाला ऑप्शन मस्त है, ये आरसीबी बना दिया, रॉयल चैलेंजर हो गया ये तो है। चलो चूज द करेक्ट ऑप्शन विच हैज ऑल राइट स्टेटमेंट फॉर बोन्स, ऑल राइट स्टेटमेंट फॉर बोन्स, सही स्टेटमेंट बनाने, ऑल राइट स्टेटमेंट फॉर बोन्स। बोन्स हैव अ हार्ड नॉन प्लायबल ग्राउंड सब्सटेंस, सही बात है, बहुत टफ है। मैट्रिक्स ऑफ बोन इज रिच इन कैल्शियम सॉल्ट एंड फ्री फ्रॉम कोलेजन फाइबर, बिल्कुल सही से लिखना, टाइटली बाउंड है, इज इट? चलिए बताओ मैट्रिक्स में क्या कोलेजन नहीं होगा? हमारे पूरे शरीर में एक एक जगह पे कोलेजन फाइबर प्रेजेंट है। कोलेजन फाइबर को हम कभी भी नहीं इग्नोर कर सकते, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है, हर जगह प्रेजेंट रहेगा। बोन मैरो इन सम बोन्स इज साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, यस इट इज। बोन इज अ स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, क्या होगा? ए सी डी सही है आपका, बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन सही है, डी नहीं बेटा। फ्री फ्रॉम कोलेजन लिखा ना, कोलेजन तो प्रेजेंट होगा ही होगा, कोलेजन को अवॉइड नहीं कर सकते हैं। सलाइवरी ग्लैंड कैसे होते हैं? सलाइवरी ग्लैंड आर यूनिसेलुलर, बिल्कुल नहीं होंगे। बाई सेलुलर क्या होता है, तो हमने पढ़ा, इट इज ऑलवेज मल्टी सेलुलर, कई सेल मिलके सलाइवरी ग्लैंड बना। क्या हो गया आदमी गर्ल? मैम प्लीज प्रोवाइड लिंक टू डाउनलोड एडमिट कार्ड, क्योंकि मैं डाउनलोड नहीं हो रहा है, कुछ एरर बता रहा है आपको। अन अकेडमी का जो टेलीग्राम प्रोफाइल दिया उसमें मैंने बताया कौन सी वेबसाइट है, मैं एक बार नाम बोल दे रही हूँ, रुको, NTA.NIC एक बार बता रही हूँ, रुक जाओ, गिव मी अ सेकेंड, मैं आपको वेबसाइट का नाम मैंने शेयर किया था, देखो NEET.NTA.NIC.IN है वेबसाइट का नाम, ठीक है, वहां जाके चेक कर लो। चलिए, इन कॉकरोच टू पेयर ऑफ विंग्स अराइज फ्रॉम, इवनिंग में कर लेना, अच्छे से कर लेना डाउनलोड, उसकी दो कॉपी लगा लेना, कलर्ड मिल जाए तो कलर्ड निकलवाना, अगर कलर्ड नहीं मिल रहा तो ब्लैक एंड व्हाइट निकलवा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दो कॉपी रखना और तरीके से रखना, सारी चीज़ चेक कर लेना आपकी स्पेलिंग सही है या नहीं। आपको NTA की वेबसाइट पे जहाँ पे कल बताया था वहाँ पे ये भी लिखा है कि अगर कुछ गड़बड़ निकलता है, कि आपने सही फिल किया था और गड़बड़ निकल गया आपके एडमिट कार्ड में, तो वो जाके आप उनको बता सकते हो कि आपने गलत प्रिंट कर दिया है, यू कैन जस्ट मेल देम, ठीक है। तीसरी चीज आपको ये करनी है कि अपने सेंटर पे जाइए, सेंटर चेक करिए कितना दूर है घर से और कब निकलना है, ये सब अभी से डिसाइड हो जाना चाहिए, और आपको सेंटर पे 12 बजे पहुंच जाना है। कहोगे मैम इतना जल्दी? हाँ इतना जल्दी, और वहाँ सेंटर पे जाके अपने परिवार के साथ रहिएगा, चार बच्चों के साथ और घुस के टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है, समझे? आ गया, चमक गया, इतनी शिक्षा मेरी, याद रखो शिक्षा नहीं है ये, रियलिटी, ये ट्रुथ है, ये आपको करना चाहिए। मीजोथोरिक्स एंड मेटाथोरिक्स, गिवन बिलो इज अ डायग्राम ऑफ एपिथेलियल लाइनिंग, चूज द करेक्ट ऑप्शन,
चूज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा एक चीज और है, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं मैम मेरे पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाली फोटोग्राफ नहीं है, किसके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है जल्दी बताओ। मैम सेम फोटो नहीं है हमारे पास, इसके लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये कि साइबर कैफे जाओ, अपना जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसमें से अपनी फोटो क्रॉप करो और उसका प्रिंट आउट निकलवा लो और कॉपीज बन जाएंगी। लेकिन ठीक है ये चीज आप कर सकते हो अगर वो कर सकता साइबर कैफे वाला। अगर नहीं हो पाती है तो लेट इट बी, आप एक फ्रेश फोटो खिंचवाओ व्हाइट बैकग्राउंड पे जैसे आपने पहले खिंचवाई थी उस तरह से ही, ठीक है, और उसी का पोस्ट कार्ड और पासपोर्ट साइज बनवा लो अभी से और ढेर सारी कॉपी रख लेना, ठीक है। दोनों तरीके से आप कर सकते हो। डायग्राम ऑफ एपिथेलियल लाइनिंग, क्या ब्लर आ रहा है बेटा मुझे बताओ, किसको किसको ब्लर आ रहा है, किसको किसको सही नहीं आ रहा है, इसको दिक्कत हो रही है देखने में। इट कवर्स ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी एंड लिपिडेड रोल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। इतना क्लियर दिख रहा है, जिसको ब्लर आ रहा है एक बार फिर से क्या करोगे, अपना रिफ्रेश कर लो पेज। ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिलेटेड टू फीमेल कॉकरोच एक्सेप्ट एक्सेप्ट All of the following can be related to female cockroach except female cockroach. Female cockroach में anal style आपका नहीं होता, वो male में होता है, male में होता है केवल, ठीक है। Correctly match pair of epithelial tissue with its location is, अब फटाफट से क्वेश्चन करेंगे, चलो बहुत हो गया बातें अब। It is क्यूबॉइडल एपिथीलियम ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में प्रेजेंट रहेगा, करेक्टली मैच है ये आपका। ओवरी ऑफ फीमेल पेरिप्लेनेटा कैन नॉट बी रिलेटेड टू फीमेल पेरिप्लेनेटा, इट इज कैन नॉट बी लिखा। एट ओवरी एंड ट्यूब्यूल होता सही बात है, ओविडक्ट भी इनके पास होता सही बात है, ठीक है। लीनियर सीरीज ऑफ ओवरी होती है, ये भी सही है, प्रेजेंट इन सेकेंड, नो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन, इनमें से कौन सा सही है ये बताना है, ठीक है, कौन सा सही है। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इज जेनेटिक मैकेनिज्म, सही बात है, जेनेटिक मैकेनिज्म है। अगर कोई भी पॉलन ग्रेन प्लांट पे गिर रहा और अगर इनकम्पैटिबिलिटी आती है, वो उनके जेनेटिक मैचअप नहीं हो पा रहा है, वो उसको रिकोगनाइज नहीं कर पा रहा है। पीएमसी प्राइमरी मदर सेल इज सेल लोकेटेड इनसाइड मेगास्पोरेंजिया, इनसाइड मेगास्पोरेंजिया, इज इट करेक्ट, नो इट इज नॉट, ओनली वन इज करेक्ट, ओनली वन इज करेक्ट। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा सही है ये मार्क करना में, कौन सा सही है। विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट, एपिडर्मिस एंडोथीशियम एंड टेपटम हेल्प्स इन डेहिसेंस, नो ओनली एंडोथीशियम हेल्प्स। टिपिकल एंजियोस्पर्म इज बाइलोब्ड विद ईच लोब हैविंग टू थीका, हाँ ये डायथीकस होता है, बिल्कुल सही है। एपोमिक्सिस इज फर्स्ट ऑब्जर्व, एपोमिक्सिस इज ऑब्जर्व्ड एंड नॉट फर्स्ट, इट इज ऑब्जर्व्ड एंड एपोमिक्सिस किसमें देखा जाता है, किसमें देखा जाता है एपोमिक्सिस, इट इज सीन इन ग्रासेस में दिखते हैं कुछ, सिट्रस फ्रूट में भी दिखता है, इवन एस्टरेसी फैमिली में भी दिखता है, तो ऑल ऑफ दीज होगा, इट विल बी ऑल ऑफ दीज। मैच द इनकरेक्टली मैच्ड, देखो ऑड वन आउट, अगर आपको लग रहा है कि मैम ये नहीं समझ में आ रहा तो क्या करना है, देखो और सिट्रस में पॉली एम्ब्रियोनी होता है, स्ट्रॉबेरी एक फॉल्स फ्रूट है, कैस्टर जो होता है ये एक मोनोकॉट है, इजंट इट, इज इट अ मोनोकॉट, नहीं दिस इज नॉट अ मोनोकॉट बट दिस इज ए एक्सेप्शन, ठीक है, जिसमें आपका एंडोस्पर्म रह जाता है, तो इट इज एंडोस्पर्मिक, ये आपका इनकरेक्टली मैच्ड, डायकॉट में ये एक एक्सेप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ विंड पॉलिनेटेड फ्लावर, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर, इट इज म्यूसिलेजिनस कवरिंग ऑन पोलन,
म्यूसिलेजिनस कवरिंग ऑन पोलन, उसकी क्या जरूरत है हमको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर एल्गी, नॉट ट्रू फॉर एल्गी, इनमें से कौन सा एल्गी के लिए सही नहीं है। एल्गी कैसे होते हैं, इनमें कोई स्पोर फॉर्मेशन है, आपके एसेक्सुअल मेथड से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेक्सुअल में आपके जायगोटिक मियोसिस होता है, बट क्योंकि ये हैप्लॉइड होंगे तो एल्गी में गैमेट नहीं बनते, कोई गैमेट फॉर्मेशन नहीं हो रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग शो पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोजेनेसिस, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज पार्थेनोजेनेसिस, किसमें पार्थेनोजेनेसिस होता है बच्चों, इट इज इन टर्की। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन गैमीट्स ऑफ बटरफ्लाई, इन गैमीट्स ऑफ बटरफ्लाई कितने होते हैं गैमीट में, क्या चल रहा है भाई, आंसर क्यों नहीं आ रहा है आज, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत है तो बोलो, बात क्यों नहीं कर रहे हो आप लोग, जल्दी बताइए। इट इज 190। अब मैं तो ऐसे ही, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आइसोगैमिट्स, इज आइसोगैमिट्स, गैमिट एक जैसे दिख रहे हैं, किसमें है, इन सब में नहीं होता, इट इज इन क्लैडोफोरा, क्लैडोफोरा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मार्क द करेक्ट वन, करेक्ट वाला मार्क करना है, मार्क द करेक्ट वन। इम्प्लांट हार्मोन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांजिशन फ्रॉम वेजिटेटिव टू रिप्रोडक्टिव फेज, इज इट करेक्ट और नॉट, इज इट करेक्ट और नॉट, दिस इज एब्सोल्यूटली करेक्ट। इन एनिमल हार्मोन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांजिशन फ्रॉम जुवेनाइल टू रिप्रोडक्टिव फेज, हाँ वही वो करते हैं, तो बोथ वन एंड टू आर करेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और इसमें से करेक्ट आपको फिर से मार्क करना है, ठीक है। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट इन साइड मेगा स्पोरेंजिया प्रेजेंट इन मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, सही बात है, क्योंकि एक ही आपका, एक ही गैमिट जो होता है चार में से एक ही आपका बच जाता है मदर सेल, बाकी से तीन डीजनरेट हो जाएंगे। यूका प्लांट इज एग्जाम्पल ऑफ एनोमोफिली, नो इट इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ एनोमोफिली, किसका, एंटमोफिली का एग्जाम्पल है, तो ओनली वन इज करेक्ट। फ्रॉम फॉलोइंग एग्जाम्पल कैस्टर मेज कोकोनट पपाया स्वीट पोटैटो एंड पम्पकिन, हाउ मेनी शो जिटोनोगैमी, यानी कि जिस पेड़ पे मेल और फीमेल दोनों ही फ्लावर प्रेजेंट हो, जिनमें दोनों पार्ट प्रेजेंट है, ऐसे कितने प्लांट हैं इनमें से, कितने बेटा, कैस्टर मेज कोकोनट पपाया ट्वीट पोटैटो पम्पकिन, एक ही है जिसमें नहीं होता है, ओनली वन इज देयर व्हिच डजंट हैव, व्हिच डज नॉट शो जिटोनोगैमी, कौन है जल्दी बताओ, व्हिच अमंग द फॉलोइंग, कौन सा है जो नहीं शो करता है, सिक्स नहीं करेगा, एक नहीं करता, कौन सा एक है जल्दी बताओ, दो नहीं करता, कौन से दो हैं भाई, मुस्कान बताइए, स्वीट पोटैटो कैस्टर दोनों हो जाएगा, नहीं इतने सारे सब, कोई पम्पकिन कोई पपाया, सही बताओ, इतने लोग इतना आंसर बता रहे हैं, कोकोनट भी आ गया, पम्पकिन भी आ गया, पपाया भी आ गया, कौन सा नहीं करता, कौन कौन करता, तुम तो वही आंसर दिए जा रहे हो, जल्दी बताइए, विच के नॉट शो जिटोनोगैमी, कंफ्यूज हो सारे के सारे, कंफ्यूज हो, मेज सीरियसली,
चलो यस इट इज मेज। चलो इफ पॉलिनेशन अकर्ड इन थ्री सेल स्टेज देन पॉलन ट्यूब फ्रॉम स्टार्टिंग हैव डैश नंबर ऑफ मेल गैमीट्स, कितने नंबर? इफ पॉलिनेशन अकर्ड इट इज टू, इट इज टू, और इसमें मेज नहीं होगा, दिस विल बी पपाया। पपाया में नहीं होता है इसमें, ये मोनोश, ये आपका डायोशियस है। चलो रिजेक्शन ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा इज बिकॉज ऑफ, रिजेक्शन ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा इज बिकॉज ऑफ क्यों? क्योंकि इनका जो है जेनेटिक कंपैटिबिलिटी नहीं हो रही है। ठीक है, क्यों नहीं हो रहा है? केमिकल कुछ आपके स्टिग्मा या पिस्टल पे प्रेजेंट है, आपके पिस्टल पे प्रेजेंट है या फिर एग्जाइम पे प्रेजेंट है, जो उनको एंट्री नहीं दे रहे हैं, जो कि उनको एंट्री नहीं दे रहे हैं। ठीक है, उनको आपके रिजेक्ट कर देना है वो। इफ प्लॉयडी ऑफ एंटीपोडल इज 2n, व्हाट इज द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस एंड दैट ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज 8n, व्हाट इज द प्रोबेबल प्लॉयडी ऑफ जाइगोट? एंटीपोडल सेल आपके 2n है और प्राइमरी एंडोस्पर्म आपका 8n है। ठीक है, 8n है, तो प्लॉयडी क्या होगी आपकी जाइगोट की? जाइगोट की प्लॉयडी क्या होगी बच्चों, बताइए? इट विल बी, कम ऑन एवरीवन, आंसर नहीं दे रहे हो कोई लोग, चैट नहीं आ रहा है, आंसर ही नहीं दे रहे हो। अगर 4n होगा, चलो 4n जाइगोट मांग लेते हैं हम लोग, तो फिर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस 8n क्यों बना? व्हाई इट इज 8n, व्हाई इट इज 8n, बताओ जल्दी, ये 8n क्यों होगा? ये 8n कैसे बना है बताओ? इसमें तो एक मेल गैमिट गया होगा, एक मेल गैमिट गया होगा, बाकी दो आपके पोलर न्यूक्लियाई हैं। अगर ये भी 2n 2n होंगे तो ये तो 6n होने चाहिए थे ना, वाई इट बिकेम्स 8n? इट विल बी 6n बच्चों। जायगोट कैसा होगा? 6n होगा, 6n होगा। ठीक है, चलिए कैसे बोल रहे हैं देखो, इसके अंदर मेल गैमेट और दो पोलर न्यूक्लियाई हैं, कैसे हो रहा है बताओ, कैसे हो रहा है? ए टेन में दो पोलर न्यूक्लियाई जो हैं वो कितनी होंगी? 2n+2n, क्योंकि एंटीपोडल भी 2n है, यानी एग सेल भी 2n होगा। बचा कौन? एक मेल गैमिट
वो कितना होगा, 8n में से 4 टू 4n माइनस कर दो तो 4n, तो 4n प्लस 2n जायगोट में बनेगा बच्चे 6n, इज इट क्लियर। चलो मिनिमम नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड फॉर टू फॉर्म 400 सीड व्हेन ऑल द सीड इज प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, 55 का डी होगा, कौन है महानुभाव, हिमांशु, समझ नहीं आया, चलो एक बार फिर से बताते हैं, फिर से बताते हैं क्या बोल रहा है। एंटीपोडल सेल ओहो, एंटीपोडल सेल 2n है, एंटीपोडल, ठीक है ठीक है, एंटीपोडल सेम है और आपका तब ये कितना होता है, जितना एंटीपोडल होगा उतना ही फीमेल गैमेट भी होगा, फीमेल गैमेट भी होगा, फीमेल गैमेट भी 2n होगा, ठीक है। अब 8n बोला है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जिसमें दो पोलर न्यूक्लियाई हैं, ये पोलर न्यूक्लियाई भी सेम नंबर ऑफ आपके क्रोमोसोम रखेंगे जो कि ये दोनों रखेंगे, यानी कि दो पोलर न्यूक्लियाई हुए 2n प्लस 2n इज इक्वल्स टू 4n। अब इसमें एक होगा मेल गैमेट, वन मेल गैमेट भी इन्वॉल्व होता है, अगर ये 4n है तो 8 में से 4n निकला तो कितने बचे, तो ये मेल गैमेट 4n का हुआ, फीमेल गैमेट 2n की है, मेल गैमेट 4n का, अगर ये दोनों फर्टिलाइज करके जायगोट बनाएंगे तो कितना बनेगा 6n, ठीक है। चलो जायगोट कैसे बनेगा आपका, मेल और फीमेल से, तो जायगोट में 4n प्लस 2n हो जाएगा। चलो मिनिमम नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड फॉर्म 400 सीड व्हेन ऑल द सीड इज प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, सारे सीड में फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, कितने मियोटिक डिवीजन चाहिए, मेल और फीमेल दोनों गैमेट चाहिए इसके लिए, मेल और फीमेल दोनों ही गैमेट की जरूरत आवश्यकता है, कितने डिवीजन होंगे, हाउ मेनी डिवीजन, 400 सीड बनानी है, ठीक है, तो एक मेल गैमेट, एक मेल न्यू आपका माइक्रोस्पोर, एक माइक्रोस्पोर 4 गैमेट बनाएगा, तो 100 आपके कितने बनाएंगे, 400 बनाएंगे, ठीक है, 400 मेल गैमेट बन गया 100 डिवीजन में, कितना बन गया 400, कितने 100 डिवीजन। लेकिन फीमेल में क्या होता है, हर एक गैमेट के लिए एक एक आपके माइक्रोस्पोर चाहिए, तो 400 डिवीजन में 400 फीमेल गैमेट बनेगा, तो टोटल कितना डिवीजन हुआ, 500 प्लस करके जो कि आपका सीड बनाएगा, तो टोटल कितना होगा, 500 डिवीजन, 500 डिवीजन, ठीक है। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ मैक्सिमम क्रोमोसोम इन एल्यूरोन लेयर ऑफ वीट इफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन मेल गैमेट इज 14 इन बाइसेक्सुअल फ्लावर, इन बाइसेक्सुअल फ्लावर, एल्यूरोन लेयर बेसिकली इनका एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म के अराउंड है, ठीक है, तो ये 3n हो जाएगा, 3n का मतलब क्या हुआ, 3n का मतलब क्या हुआ, 42, चलो In a single ovary, multiple ovule is present in. Single ovary में multiple ovule है, ठीक है, मैंगो में तो एक ही सीड मिलता है और पैडिंग में भी एक, ऑर्किड्स में आपके मल्टीपल ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं एक ही ओवरी के अंदर। म्यूसिलस इनसाइड सीड डेवलप फ्रॉम इंटू एम्ब्रियो इन, किसमें होता आपके, न्यूसिलस इनसाइड सीड डेवलप इंटू एम्ब्रियोन, किसमें होता आपके, पार्थेनो, इट इज इन मैंगो में भी होता है, सिट्रस फ्रूट में भी होता है। मार्क द इनकरेक्टली मैच्ड पोटैटो क्या है, व्हाट इट इज, ट्यूबर है,
राइजोम कौन होता है? जिंजर होता है या टर्मरिक होता है? बी इज इनकरेक्ट। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोटिक मियोसिस इज प्रेजेंट इन। जाइगोटिक मियोसिस यानी कि ये खुद ही हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है। अगर ये खुद हैप्लॉयड है तो इनको जाइगोटिक मियोसिस की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो एल्गी में भी होता है, हैप्लॉन्टिक ऑर्गेनिज्म में होता है, इवन फंगी में भी होता है। तो ऑल ऑफ दिस आएगा, ऑल ऑफ दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव थिकेस्ट सेल वॉल? हैव थिकेस्ट सेल वॉल, फटाफट आंसर करना है। सबसे थिक सेल वॉल किसकी होगी? जो कि हैप्लॉन्टिक होंगे मोस्टली, ठीक है, हैप्लॉन्टिक एल्गी की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मोनोकार्पिक? विच इज नॉट मोनोकार्पिक, नॉट मोनोकार्पिक। एक से ज्यादा कार्पल प्रेजेंट है किसमें? ग्वावा में, ग्वावा में होता है। विच इज करेक्ट अबाउट कारा? कारा क्या है? एक तरह का एल्गी है। विच एल्गी इट इज? इट इज कौन सा एल्गी है? ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी है। कैसा होता है कारा? इट इज, इसमें मेल और फीमेल दोनों ही प्रेजेंट है, मोनोशियस इन नेचर। मीनिंग ऑफ हेटरोथैलिज्म इन फंगी? हेटरोथैलिज्म इन फंगी, हेटरोथैलिज्म मतलब इनका थैलस अलग अलग है, यानी कि ये डायोशियस है, मेल अलग है फीमेल अलग है। Which of the following is not a bisexual plant? Which is not a bisexual plant? ये भी bisexual है, ये भी bisexual है, ये भी bisexual है, इसलिए इसमें जिटोनोगैमी possible है। Phoenix dactyliferum है आपका bisexuality नहीं होते। These are unisexual plant, या तो मतलब basically आप कह सकते हैं these are dioecious। Which is correct about bisexual flower? Which is correct, incorrect about, sorry, incorrect यानी wrong ढूंढना है, wrong about bisexual flower, bisexual, इसमें male और female दोनों present है, monoecious में क्या है? Flower की बात हुई है, plant अगर monoecious तो जरूरी नहीं इसमें bisexual flower ही हो, present on diplontic plant ऐसा जरूरी नहीं है, castor example है bisexual flower का, castor में bisexuality देखी जाती है। Ploidy of Archegoniophore is in Markensia is. Ploidy of Archegoniophore in Markensia is. कैसे होते हैं? Markensia में. क्या है ये? It is haploid. कैसी होती है ploidy? Haploidy होती है. Which of the following is false for oogamous? Wrong for oogamous. Oogamous, oogamous का मतलब क्या हुआ? आपका जो फीमेल गैमेट है वो बड़ा सा है एंड इट इज इन नॉन मोटाइल। तो मेल तो आपका गैमेट मोटाइल होगा, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, नॉन मोटाइल मेल गैमेट भी हो सकता है, बट यहाँ पे oogamous के उपलक्ष में बात की जा रही है, ठीक है। तो मोटाइल फीमेल गैमेट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लैशी फ्रूट? Not a fleshy fruit. Fleshy आपका mango भी होता है, apple भी होता है, बाहर छिलका होता है, बढ़िया। पी नहीं होता है, पी इज नॉट ए पॉड टाइप ऑफ फ्रूट। फ्लैशी फ्रूट पूछा है पहले, तो फ्रूट नहीं है पी। Which of the following cannot show gytonogamy? Cannot show gytonogamy. Maize में gytonogamy होता है, अश्वगंधा में भी होता है, एलोए में भी होता है। डेट पाम आपका जिटोनोगोमी नहीं शो करता बिकॉज इट इज डायोशियस, बिकॉज इट इज डायोशियस। पोलन विथ शॉर्ट वायबिलिटी इज प्रेजेंट इन? पोलन विथ शॉर्ट वायबिलिटी, शॉर्ट वायबिलिटी पोएसी फैमिली में, पोएसी फैमिली में। आपको तीन फैमिली वैसे याद रखनी है, फेबेसी, सोलनेसी और लिलिएसी। ये तीन ज्यादा आपकी आती है, यही आपके एनसीईआरटी में दी हुई है।
ठीक है, मैंने एक दो क्वेश्चन ऐसे डाल दिए हैं कि जो रिलेटेड है पोएसी में, पॉलन शॉर्ट वायबिलिटी के लिए देखा जाता है। पॉलिनेशन बाय विंड इज जनरली एब्सेंट इन, इज जनरली एब्सेंट इन किसमें नहीं होगा? विंड पॉलिनेशन युक्का में नहीं होता, क्योंकि मॉथ आके खुद करता है, एंड इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ, इट इज एग्जाम्पल एग्जाम्पल ऑफ एंटेमोफिली, इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है। बैट पॉलिनेटेड हैव फीचर ऑल एक्सेप्ट, बैट जो होते हैं रात में उड़ते हैं, ज्यादातर रात में उड़ेंगे तो सफेद फ्लावर होते हैं, ज्यादातर ब्राइट कलर्ड के होते हैं, रात में दिखें चमके, ठीक है, रात में चमकने चाहिए, सफेद रंग के होते हैं एकदम, ठीक है, सफेद रंग, काले में सबसे ज्यादा क्लियर सफेद फ्लावर दिखता है काली रात में, ठीक है। तो सेंटी होते हैं, उसमें से महक आती है, लार्ज साइज के होते हैं, डल कलर के होते हैं, व्हाइट कलर में या ऐसे होंगे जो काले पे चमक जाए, ब्राइट कलर नहीं होंगे वो, दिन में वाले जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड में होते हैं। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्मस, इन एंजियोस्पर्मस मोस्ट कॉमन टाइप, मोस्ट कॉमन टाइप, विच टाइप ऑफ एंजियोस्पर्म ओव्यूलिसिन, एनाट्रोपस, ज्यादातर एनाट्रोपस देखने को मिलता है। मेल गैमेट फ्रॉम पॉलन ट्यूब इज रिलीज्ड इन, मेल गैमेट कहाँ रिलीज होते हैं? एक सिनर्जिट के थ्रू एंटर करेंगे, वन ऑफ द सिनर्जिट विल गाइड द वे टुवर्ड्स द एक्सेल। पेरिस्पर्म प्रेजेंट इन, पेरिस्पर्म इज प्रेजेंट इन, जुड़ा हुआ है उसके साथ, आप देखते हो गए गर्मियों ठंडियों में मम्मी लोग यूज करती हैं क्या, काली मिर्च ज्यादातर, थोड़ा सा बॉडी को हीट प्रोवाइड करता है वो, उसमें पेरिस्पर्म प्रेजेंट रहता है, उसको निकाला नहीं जाता है। मस्टर्ड क्या होता है, पतले से छिलके में, मटर को एकदम पतला कर दो मस्टर्ड वैसा होता है, कोकोनट का भी छिलका निकाल देते हैं, लिली का भी छिलका निकाल देते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड कोट ऑफ सीड डेवलप्स फ्रॉम सीड कोट, ठीक है, सीड क्या है आपका, ओवरी है, सॉरी ओव्यूल है, ओव्यूल की कवरिंग आपकी क्या बनेगी, सीड कोट बनेगी, और ओव्यूल की कवरिंग को क्या कहते हैं, इंट्यूगमेंट, टेस्ट और टेगमेंट बनाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर हैव पॉलन ग्रेन, हैव पॉलन ग्रेन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव पॉलन ग्रेन, अरे कोकोनट में एंडोस्पर्म नहीं होगा, जो तुम नारियल पानी पीते हो, जो तुम नारियल खाते हो, दैट ऑल इज एंडोस्पर्म ओनली, समझे, उसमें से अंदर से मलाई निकलती है ना, मलाई निकलती है कभी कभी पानी पीते हो, सब एंडोस्पर्म का ही पार्ट है, पॉलन सैक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फीचर ऑफ वेजिटेटिव सेल ऑफ पॉलन ग्रेन, वेजिटेटिव सेल ऑफ पॉलन ग्रेन हैव इरेगुलर शेप न्यूक्लियस, सही बात है, स्पिंडल शेप ऐसा कहीं नहीं है, लार्ज फूड रिजर्व ANC, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, यस। फॉल्स फ्रूट डेवलप फ्रॉम, फॉल्स फ्रूट क्या है, जिसमें आपके थैलेमस भी इन्वॉल्व हो जाता है, या कोई अलग पार्ट इन्वॉल्व हो जाता है अदर देन योर मेन फीमेल ओवरी, राइट, तो नॉन एसेंशियल पार्ट लाइक थैलेमस किसमें देखा जाता है, एप्पल में, एप्पल में थैलेमस इन्वॉल्व होता है। फ्रॉम गिवन एग्जाम्पल फंगी एल्गी बोनीफिश ब्रायोफाइट एम्फीबियन टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म हाउ मेनी शो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इनमें से कितने इंटरनल फर्टिलाइजेशन शो करेंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन जिम्नोस्पर्म करता है, ठीक है, और क्या करेगा आपका, टेरिडोफाइट करेगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जल्दी बताइए इंटरनल फर्टिलाइजेशन कौन कौन शो कर रहा है, चार शो करेंगे इसमें से, चलो मैं ये भी बता दे रही हूँ, फोर ऑफ देम विल शो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, विच अमंग दीज आर ऑल फोर, कोई तीन कह रहा है, कोई दो कह रहा है, आई एम सेइंग फोर, हाँ बोनी फिश करेगी इंटरनल फर्टिलाइजेशन, श्योर हो, एल्गी करेगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन, यस, और बताओ,
जल्दी बताइए, एम्फीबियन। एम्फीबियन करेगा तो फिर ब्रायोफाइट भी करेगा। सब कच्चा हो रहा है बेटा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन किसमें किसमें होता है, सारे ही तो बता डाले तुमने, कुछ छोड़ा है? फंगी भी बोल दो, फंगी तो बच रहा बेचारा। हाँ जी, डिजॉल्व शो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, डायोशियस कंडीशन इज प्रेजेंट इन, डायोशियस कंडीशन इज प्रेजेंट इन जल्दी बताओ, ये गड़बड़ है। कुछ एम्फीबियन शो करते हैं, बोनी फिश करती है, कार्टिलेजिनस फिश करते हैं, इसके अलावा एक और ऑप्शन है आपका, चलिए टेरिडोफाइट करेगा आई थिंक, क्या मैं चेक करती हूँ, इन दोनों में कंफ्यूजन है, ये तीन तो डन है। डायोशियस इज प्रेजेंट इन, डायोशियस कंडीशन किसमें, डेट पाम और कॉकरोच में, या तो मेल होंगे या तो फीमेल होंगे, दोनों नहीं हो सकते, ये मोनोशियस है, दीज आर मोनोशियस, इसमें मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट प्रेजेंट है। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटीज मैकेनिज्म फॉर, इज मैकेनिज्म फॉर सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्यों होती है, ताकि आपके हेट्रोजाइगोसिटी को मेंटेन किया जा सके, कि वही जाइगोट आपका, वही स्पोर आपके डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, भाई सबके स्पोर अलग अलग है। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, टेप्टम इज न्यूट्रिटिव टिश्यू ऑफ मेगा स्पोर, नहीं है माइक्रो का है। म्यूसिलस प्रोड्यूस मल्टीपल मेगा स्पोर मदरसल, नो। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इन एंजियोस्पर्म अकर आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन, करेक्ट स्टेटमेंट, इन एंजियोस्पर्म अकर इन आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन, यस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस आगे चल के एंडोस्पर्म बनाता है। इन ह्यूमन टेस्टिस आर लोकेटेड इन स्क्रोटम फॉर, इन स्क्रोटम फॉर इसलिए ताकि स्पर्म का फॉर्मेशन हो पाए। गिवन बिलो इज डायग्रामेटिक स्केच ऑफ पोर्शन ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ए बी सी डी हमें लेबल करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुकी हूँ, बट ठीक है। ए आपका कहाँ दिखा रहा है, ये वासा डिफरेंस है, तो ये दोनों तो कट गया। बी आपका जो दिखा रहा है वो एक तरह का ग्लैंड है, विच इज नोन एज सेमाइनल वेसाइकल, ठीक है। सी आपका तीसरा ग्लैंड है, विच इज अ प्रोस्टेट ग्लैंड, तो आपका सी आएगा ए आंसर। सेमिनल प्लाज्मा इन ह्यूमन इज रिच इन, सेमिनल प्लाज्मा इन ह्यूमन इज रिच इन क्या क्या चीजें हैं, फ्रक्टोज हैं, कैल्शियम है और सर्टेन एंजाइम्स आर प्रेजेंट। द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया इंक्लूड, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया इंक्लूड, एक्सटर्नल बोला ओवरी इंटरनल है, मेमरी ग्लैंड नहीं इन्वॉल्व है, मॉन्स प्यूबियस क्लाइटोरिस और लेबिया मेजोरा तीनों आएगा, तो इट विल बी ऑप्शन सी।
इन ह्यूमन एट द एंड ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन मेन जर्म सेल डिफरेंशिएट इनटू फर्स्ट मियोटिक डिवीजन. एक फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद मेल जर्म सेल डिफरेंशिएट इनटू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स इनटू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. हाउ मेनी स्पर्म्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम फोर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, कितने स्पर्म बनाएगी, क्या उसमें मियोसिस हो चुका है, ठीक है, नहीं हुआ है अभी, तो उसमें मियोसिस होगा तो हर एक चार बनाएगी, तो चार कितना बनाएगी, 16. फर्स्ट पोलर बॉडीज फॉर्म्ड एट विच स्टेज ऑफ ऊजेनेसिस. किस स्टेज पे आता है, मियोसिस चल रहा होता है, माइटोसिस नहीं हो रहा, उसमें मियोसिस चल रहा है, मियोसिस का फर्स्ट स्टेज ही अभी चल रहा होता है, फर्स्ट मियोसिस. इन ओवरी वी कैन फाइंड ओवरी में क्या होता है, ग्लेफियन फॉलिकल भी होता है, प्राइमरी फॉलिकल भी होता है, राइट. आपका कॉर्पस लूटियम भी वही बनेगा जब आपका ओव्यूलेशन हो जाएगा, और ब्लड वेसल भी यहाँ पे प्रेजेंट रहती है इनके सराउंडिंग में, तो ऑल ऑफ दी ऑल ऑफ दिस होगा. इन ओजेनेसिस प्राइमरी ओसाइट प्रोड्यूस डैश ओवा. प्राइमरी ओसाइट कोई भी ओसाइट हो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कुछ भी, एक ही ओवा निकालेगा. इन ओजेनेसिस हैप्लॉइड एग इज फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म एट विच स्टेज. एट विच स्टेज कब होता है आपका, जब वो ओवा की तरह रिलीज होता है, यानी ओवम में, ठीक है, ओवम में. इन ओजेनेसिस सेकेंडरी फॉलिकल सून ट्रांसफॉर्म इनटू टर्शियरी फॉलिकल विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी नोन एज एंट्रम. तो सोचना ही नहीं है. During proliferative phase, क्या होता है proliferative phase में, myometrium आपका slow off नहीं होगा, antrium horn भी नहीं slow off होता, अभी proliferate कर रहा है, ठीक है, तो चीज़ें बन रही हैं, तो estrogen जो होगा stimulate करेगा कि endometrium की wall बने, अभी तगड़ी हो जाए, right? Ovulation in human female normally takes place during the menstrual cycle. Ovulation इन ह्यूमन साइकिल किस दिन के दौरान या किस समय होता है आपके, कौन से फेज के खत्म होने के बाद हो रहा है, जब आपका पॉलीफरेटिव फेज खत्म हो जाता है, यानी कि आपके फॉलिकल्स, ठीक है, आपका फॉलिकल मैच्योर इनफ हो जाता है और अब रिलीज करने के लिए रेडी रहेगा, ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन हो चुका है. इज इट क्लियर? In mammalian ovum fails to get fertilized, which of the following is unlikely? अगर ovum fails to fertilize होगा तो क्या चीज नहीं, इनमें से नहीं होगी. Corpus luteum degenerate हो जाएगा, सही बात है. Progesterone secretion rapidly declines, yes. Estrogen secretion भी आपका decline ही होगा, अभी बढ़ेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि pregnancy हुई ही नहीं. Cessation of menstrual cycle in a woman is called Cessation of menstrual cycle. देखो 1000 question complete हमारे, यानी जब menstrual cycle बंद हो जाती है, उस phenomena को हम क्या कहते हैं, it is known as menopause, right? जब start होता तो उसको मेनाके कहते हैं, right? चलिए, ठीक है, तो अपन ने सक्सेसफुली 1000 क्वेश्चन किए और मैम ने करवाए हैं. अब ये नहीं कहना कि मैम कहती हैं और करवा दूँ, मैं जो भी कहती हूँ आपको पूरा करके देती हूँ, ठीक है, और अगर जितना आप मांगते कोशिश करती हूँ आपसे पहले ही मैं वो कर दूँ. जैसे कि कल से मेगा रिवीजन होने वाला है तूफान की सीरीज के साथ, पूरा तूफान का बवंडर लेके आएंगे अब, ठीक है, वन शॉट में पूरा पूरा बायोलॉजी कंप्लीट करने वाले हैं. दो दो तीन तीन घंटे, चार चार घंटे के अंदर बेटा, तीन साढ़े तीन घंटे का एवरेज रखो. कल से सुबह 10 बजे शार्प हम तूफान सीरीज शुरू करेंगे, ठीक है, सारे लोग आ जाना. कल पहली 3 यूनिट क्लास 11th की करने वाले हैं, ठीक है, तो ऐसे करते करते 4 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, तो आपका जस्ट एग्जाम से पहले पूरा पूरा वन शॉट रिवीजन हो चुका होगा, ठीक, क्लियर है. और आज शाम को 5 बजे स्पेशल क्लास में नीट अभ्यास सीरीज चल रही है, ठीक है. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा प्रोफाइल का लिंक दिया अनअकैडमी का, वहां जाओ फॉलो कर लो और जाके रजिस्टर कर लो. बाकी टेलीग्राम पे भी मैंने दे दी है इन्फॉर्मेशन, वहां पे भी देख सकते हैं, मेरे साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे, मेरा नाम है डॉक्टर साक्षी बरनवाल, आप वहां पे मेरे थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं. तीसरी बात है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी दिक्कत आ रही है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है थ्योरी में, या फिर आपको पर्सनली नहीं समझ में आ रहा कि मैम क्यों नहीं पढ़ पा रहे, क्यों नहीं रिवाइज कर पा रहे, क्यों इतना डर लग रहा है,
कुछ भी दिक्कत आ रही है चूं भर की भी इस समय, सब टेंशन मैं लेने को तैयार हूं, आप बस मुझे टेलीग्राम पे कनेक्ट कर लीजिए, ठीक है, आई विल गेट बैक विथ यू, ठीक है। चलो, ऑल इंडिया मॉक आपका लास्ट 14th of July को होने वाला, 2 बजे को लास्ट है ये, जो बच्चे देना चाहते हैं दे सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। 4 टेस्ट आपको 24/7 मिलेगा, ऑल इंडिया रैंक प्रेडिक्टर मिलेगा, और इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही टेस्ट है, फ्री एनरोलमेंट है विद द कोड साक्षी100, इज इट क्लियर। चलिए, प्लस पे लाइव क्लासेस मिलती है, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस, और आइकॉनिक में प्लस के साथ साथ आपको एक मेंटोर मिलता है जो कि आपको 1-on-1 गाइडेंस देगा, और हार्ड कॉपी मिलती है स्टडी मटेरियल की, ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीवन, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हिट द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर द सेशन एज मच एज पॉसिबल। मैं आज सेशन थोड़ा कम लेने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि 4 दिन गला फाड़ फाड़ के पढ़ाना है। एडमिट कार्ड आ चुका है, वेबसाइट थोड़ी हैंग कर रही है, ठीक है, सर्वर डाउन हो सकता है, बहुत सारे बच्चे एक साथ चेक कर रहे हैं, कोई बात नहीं, इवनिंग में निकाल लेना, और 2 कॉपी निकालनी है, एक आप कलर प्रिंट आउट निकलवा सकते तो बहुत बढ़िया, नहीं निकल पा रहा तो ब्लैक एंड व्हाइट भी चलेगा। फोटोज अपनी अरेंज कर लेना, नहीं है फोटो तो 2 उपाय है, या तो साइबर कैफे पे जाके वापस से अपना जो आपने फॉर्म भरा था उसमें से फोटो क्रॉप करके उसका प्रिंट आउट निकलवा लो, या फिर नया फोटो खिंचवा लो वैसे ही पैटर्न में, लेकिन इस बार ज्यादा खिंचवा लेना, पोस्ट कार्ड साइज और पासपोर्ट साइज दोनों, और वही लेके जाना, ठीक है, इज इट क्लियर। चलिए, ओके एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, कल से तूफान लेके आएंगे, रेडी है ना सब लोग, यस, चलिए, थैंक यू, हैव